मोदी है, देश है। जैसे एक वक्त में नारा दिया गया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। हाँ। उसी वक्त आज का नारा हो गया है, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। कुछ नहीं, मोदी है सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सपने देखता हूँ तो आपके लिए, मैं पसीने बहाता हूँ तो आपके लिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2024 में हम फिर से आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस देश को बचा सकते हैं। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं। फ्लाइंग किस सर नहीं देना चाहिए उनको, वो फ्लाइंग किस पे नहीं बोलना चाहिए था राहुल जी को, राहुल गलत है वो। तो भाई आप देखिए, हमारी मिनिस्टर है वो कह रही है कि भाई मतलब फ्लाइंग किस दी राहुल गांधी ने दी, कितनी शर्म की बात है, बाइयात है। बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया अमित माले वो कह रहे हैं लफंगा। स्मृति ईरानी मतलब मणिपुर पे नहीं बोलेंगी भाई, वहाँ महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है। हाँ, नंगे घुमाया जाए कोई बात नहीं, महिलाएं नंगे घुमाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए, महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब फ्लाइंग किस नहीं देना चाहिए मोदी राहुल जी को। दुखता तो है, दुखता है, मोदी जी सेवा कर रहे, राहुल गांधी राजनीति कर। अगर शायद प्रधानमंत्री उस वक्त हमारे नेहरू जी की जगह पे मोदी जी होते तो आज देश कहाँ होता आप कह नहीं, कहाँ होता। हाँ, मंगल ग्रह पे हम लोग होते हैं, मंगल ग्रह पे होते हम। नमस्ते, मैं ब्यूटी किरिया और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। आमतौर पर यहां पर लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो लोग हैं ना वो इंडिया गेट पर घूमने आए हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाने आए हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से प्रधानमंत्री के आज के भाषण के बारे में बात करेंगे। आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, क्या कुछ कहेंगे इस पर? 90 मिनट का प्रधानमंत्री का आज भाषण था और उनके दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण था। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2024 में हम फिर से आएंगे और सपने दिखाए हैं कि 2047 में ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा विकसित भारत का तिरंगा होगा 2047 में। साथ ही पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा यहाँ मिल रहा है, 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके उन्होंने मध्यम वर्ग में डाला है। और तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इसको देश के लिए दीमक बताया है कि ये दीमक की तरह देश को चाट रहा है। प्रधानमंत्री का लब्बो लुआब जो भाषण का था वो बहुत ही बेहतरीन था। जो सोच है उनकी और जिस तरह से वो देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं वो बड़ा ही गजब है। और देश को विकसित करने में आपने ऐसा क्यों कहा कि ये आखिरी था उनका, दूसरे कार्यकाल का आखिरी था? मैंने ये कहा। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल फिर से आऊंगा, इसी लाल किले से झंडा फहराऊंगा। हाँ, तो सही तो कह रहे, वो फिर से आएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री सदियों में मिला है कभी? सदियों में मिला है। जो भगवान का अवतार है उनको हम लोग को कैसे जाने देना चाहिए? ऐसा प्रधानमंत्री नसीब से मिला है, इस देश को खोना नहीं चाहिए। जब तक जिंदा हैं हम तो चाहते हैं कि वो पूरे उम्र भर प्रधानमंत्री रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस देश को बचा सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान व्यंग मार रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान और चाइना सब कब्जा कर लेगा, देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। मोदी है, देश है। जैसे एक वक्त में नारा दिया गया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उसी वक्त आज का नारा हो गया है, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। नहीं, अब इंडिया विपक्ष है। अब इंडिया विपक्ष नहीं, ठीक है, वो विपक्ष कुछ नहीं, मोदी है सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं। इस देश की हकीकत और अर्थात सच्चाई यही है। 50,000 केंद्र बनेंगे, मेडिकल के केंद्र बनाए, मेडिकल वो जो दवाई है ना आयुर्वेदिक की, वो जन औषधि योजना, ठीक है, अच्छी बात है। जो 20 रुपये 100 रुपये, तो सोचिए ऐसे प्रधानमंत्री मिलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो देश में आप लोग बार बार चलाते महंगाई महंगाई महंगाई, भी तो इम्पोर्ट हुआ ना विदेश से। प्रधानमंत्री ने आज लाल किला के प्राचीर से कहा कि जो महंगाई है वो पूरी दुनिया से इम्पोर्ट हो गया, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। और जो इम्पोर्ट हुआ है, हम भरसक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि महंगाई कम किया जा सके। अब देखिए कि महंगाई आज क्या है, महंगा है, कुछ भी महंगा नहीं है। मोदी जी ने इस देश को मजबूत किया है, मोदी जी ने इस देश को, महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई है। डेटा आप कितना पहले टमाटर खाते हैं, अरे यार पहले आप मोबाइल, आज के दौर में जरूरत क्या है चीज की है, टमाटर की। डेटा आप जो इंटरनेट यूज करते हैं, डेटा बिना खाए रह जाएंगे, अरे भाई हवा पी के रह जाएंगे लोग। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है मोदी जी का व्हाट्सएप पे स्पीच देखिए, यूट्यूब पे स्पीच देखिए। और डेटा चल, डेटा सस्ता क्या ना, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा है। मोदी जी ने कहा महिलाओं के लिए योजना ला रहे हैं, पुरुषों के लिए योजना ला रहे हैं, युवा देश है, दुनिया का सबसे युवा देश है, उनके लिए कितना सोच। और उन्होंने साथ में एक बात ये भी कहा कि मैं पसीने बहाता हूँ तो आपके लिए,
मैं सपने देखता हूँ तो देशवासियों आपके लिए। तो मोदी जी तो देशवासियों के लिए हर कुछ कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा भाई, नसीब से मिला। कहा हाँ, सबका सपना अपना सपना से इशारे करके बताया। हाँ, कविताएं बोली है, कविताएं तो उन्होंने कहा ना कि देश तो 100 पहले मोदी जी बोलते थे मेरे प्यारे देशवासियों, अब बोल आज उन्होंने क्या कहा, 140 करोड़ परिवार मेरे परिवार जनों। सोचिए पूरा देश उनका परिवार है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बताइए आप। लेकिन बीजेपी पर तो लगातार सवाल उठते हैं परिवारवाद का, अमित शाह कौन है परिवारवाद में कौन है। अब देखिए अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कहाँ हैं, ये लोग, राहुल गांधी परिवारवाद, सही तो कहा परिवारवाद इस देश के लिए सबसे खतरनाक है, इस देश को देश की जो का जो टैलेंट है प्रतिभा है उसको मार रहा है। तो मोदी जी ने सही तो कहा कि परिवारवाद इस देश के लिए सबसे देश को पीछे ले जाने में जो टैलेंट है उसका दुश्मन है, उसको हराना है हमको। सर भ्रष्टाचार पे बोला, आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे, सरकाज्म में क्यों बोल रहे हैं, डर लगता है डर लगता है। मोदी जी हैं तो फिर डर किस बात की बताइए, मोदी जी है तो डर किस बात की। देखिए तो खुल के विरोध नहीं कर रहे, विरोध कर रहे लेकिन खुल के नहीं, कहाँ विरोध कर रहे हैं। अब देखिए जो भ्रष्ट उन्होंने कहा तीन, आज जो मुख्य बिंदु था 90 मिनट का जो उनको उनके भाषण का लब्बो लुआब था, उनमें तीन में परिवारवाद और भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण। हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, बस यही तो कहते हैं जय बजरंग बली की बोलिए और कमल का फूल दबाइए, कमल के फूल का बटन कर्नाटक में उन्होंने कहा था, तो वहाँ का वो तुष्टिकरण थोड़ी करते हैं। और उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, कोई बात नहीं फिर से आएंगे, कोई बजरंग बली, जय बजरंग बली तो उन्होंने कहा था ना। और आप देखिए उन्होंने कहा कि भाई परिवारवाद, फिर उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, कौन है भ्रष्टाचारी, आप लोग बार बार चिल्लाते हैं अजीत पवार, मुकुल रॉय या फिर उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा, सब तो धुल गए ना, वो तो थे खत्म हो गया, या शुभेंदु अधिकारी जितने भी थे आप लोग खत्म कैसे हो गए, भ्रष्टाचार मोदी जी के पास आ गए, मोदी जी की लड़ाई परिवारवाद से 2014 से वो कह रहे हैं कि परिवार सॉरी भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार को हम छोड़ेंगे, भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, जितने भ्रष्टाचारी है सबको अपने मिला रहे हैं, तो क्या करें, सही तो कह रहे ना, एक भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, सब भाजपा में आना चाहिए, कह रहे वो मोदी जी। अच्छा रोजगार युवाओं पर भी बात की उन्होंने, तो रोजगार की बात करें, कितना रोजगार मिला है और बेरोजगारी दर कितना बढ़ गया। उन्होंने कहा, आज ही कहा उन्होंने अपने भाषण में, स्किल इंडिया, जब वो विदेश में जाते हैं तो पूरी दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि स्किल इंडिया की कामयाबी आप बताइए कैसे, स्टार्टअप इंडिया आखिर इतना ग्रो कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया, ये तमाम जो योजनाएँ हैं आखिर क्या है, आत्मनिर्भर भारत ये क्या चीज़ है। तो मोदी जी तो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, आपको दिख रहा होगा बेरोजगारी, आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर का टैलेंट नहीं है, आपके अंदर प्रतिभा नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, इसीलिए आपको बेरोजगारी नजर आ रहा है। आपके पास रोजगार है, बिल्कुल रोजगार है, क्या करते हैं अरे मोदी जी ने स्किल इंडिया दिया है, आत्मनिर्भर बनाया है, इससे ही इतना कमा लेते हैं कि रोजगार की जरूरत ही नहीं है, जो नहीं कमा पा रहा है वही, जो रोजगार नहीं है जो रोना रो रहा है उसको समझ लिए उसके अंदर कमी है। बाकी मोदी जी सब बढ़िया चल रहे, सब चंगा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, सब मस्त है, बेहतरीन है, अच्छा है, लाजवाब है, शानदार। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर क्या बोलेंगे, फ्लाइंग किस नहीं देना चाहिए उनको, अब महिलाएं बैठी हुई हैं, फ्लाइंग किस जो है मतलब वो बात है, फ्लाइंग किस की नहीं बात, उनको समझना चाहिए कि मोदी मतलब स्मृति ईरानी बैठी हैं, स्मृति ईरानी मतलब मणिपुर पे नहीं बोलेंगी भाई, वहाँ महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है, वो फ्लाइंग किस पे नहीं बोलना चाहिए था राहुल जी को, राहुल गलत है वो। हाँ नंगे घुमाया जाए कोई बात नहीं, महिलाएं नंगे घुमाई जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसी आपत्तिजनक बात कर रहे हैं आप। तो भाई अब देखिए हमारी मिनिस्टर हैं वो कह रही हैं कि भाई मतलब फ्लाइंग किस दी राहुल गांधी ने दी, कितनी शर्म की बात है, बाइयात है। बीजेपी आई टी सेल के जो मुखिया है अमित माले वो कह रहे हैं लफंगा, अब सोचिए महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब फ्लाइंग किस नहीं देना चाहिए मोदी राहुल जी को। कहा तो था प्रधानमंत्री ने, बोला था उस पर, कहा था कि मन दुखता है, दुखता तो है, दुखता है मोदी जी। बाकी उन्होंने कहा कि मैं सपने देखता हूँ तो आपके लिए, मैं पसीने बहाता हूँ तो आपके लिए, मतलब एक से एक योजनाएं लेकर आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने लाजवाब भाषण दिया है वाकई कमाल, बेहतरीन। विपक्ष जो कह रहा है कि अब डर गए हैं मोदी जी, वो भाषण नहीं वो राजनीति कर रहे थे। अच्छा आपको लगता है कि वो राजनीति कर रहे थे, तो मोदी जी भाषण आके अपनी योजना तो गिनाएंगे ना भाई, डर गए हैं मोदी जी, डर गए, वो अपनी योजनाओं को गिना रहे, अपनी योजनाओं का वकान कर रहे थे कि हमारे देश में हम क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से डिजिटल इंडिया बनाया, स्किल इंडिया बनाया, कैसे युवाओं को जॉब को आगे बढ़ा रहे, कैसे लोगों को तरक्की याफ्ता बना रहे,
तो मोदी जी तो आगे बढ़ा रहे हैं देश को ना। राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इस बात से मोदी जी हिल गए। राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी सेवा कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। कैसे राहुल गांधी? आपको अंतर समझना पड़ेगा। हाँ। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं, अब मोदी जी दिन रात देश के लिए सेवा कर रहे हैं। जब देश में सब कुछ चंगा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब अच्छा है, सब स्वस्थ है, तो क्या जरूरत है राहुल गांधी को राजनीति करने का? कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी दिन रात कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, 24 घंटे देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए मेहनत करते हैं। देश जनता कह रही है कि बेच दिया देश को। अब वो कहने दीजिए, वो क्या बेच दिया मोदी जी ने? सब बेच दिए, हवाई अड्डा, रेल, सब कुछ। तो आप वो मतलब हाथी के, आप नहीं देखा, हाथी को पालना इतना आसान तो होता नहीं है। हाँ। तो बेच दिया उनको, तो क्या गलत किया? झूठ पुचका रखा हुआ है, बेच कर खत्म करो। हाँ। क्या फायदा, कोई फायदा है उससे? अच्छा, नेहरू ने एक समय पे कहा था कि भारत के लोग जो है वो मेहनती नहीं होते, लेकिन यूरोप वाले जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, इसलिए भारत ग्रोथ नहीं कर रहा। ये कहते हैं कि हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया, भारत की कामों पर जो है विदेश में विश्वास किया जा रहा है। सारी गलतियां जो भी है इस देश में वो सब नेहरू की है, नेहरू की वजह से इस देश मणिपुर में हो रहा है। बीजेपी के सांसद ने कहा जो कुछ भी इस देश में कमियां खामियां गलतियां सब कुछ नेहरू की वजह से है। नेहरू ना होते तो इस देश में पता नहीं आज हम कहां, यहां नहीं होते, मंगल ग्रह पे होते। नेहरू ने ही इस देश को बर्बाद किया, नेहरू की वजह से ही सब कुछ है। बाकी अगर शायद उस वक्त नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। हाँ, अगर शायद प्रधानमंत्री उस वक्त हमारे नेहरू जी की जगह पे मोदी जी होते तो आज देश कहाँ होता आप कह नहीं, कहाँ होता? हाँ, मंगल ग्रह पे हम लोग होते हैं, मंगल ग्रह पे होते हम लोग। सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा किस देश को नेहरू ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। खड्डे खोदने वाला बनाया नेहरू ने, मोदी होते तो कहाँ पहुँचा देते। आप जरा एक बार खुद भी तहकीकात कीजिए। ठीक है, ये जो है आम जन की राय है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनका साफ तौर पर है, ये डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन साधा निशाना पूरा नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर, जो भी उनकी असफल नीतियाँ रही हैं और सारी योजनाएँ रही हैं उस पर निशाना साधा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी की रीत जनहित आवाज़।